राधे, आप समस्त सनातन सनातन प्रेमी को, भाई बंधु को राधे श्याम, जय श्री राधे। वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ दो अर्थी है, वैकुंठ वैकुंठ मतलब भगवान का जो वास है, स्थान है। चतुर्दशी द्वितीया तिथि मानी जाती है, पर इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसलिए है वैकुंठ चतुर्दशी के कि ये चतुर्दशी एक हरि हर के नाम से भी जानी जाती है। हरि हर मतलब क्या होता है? हरि मतलब भगवान, हरि विष्णु, हर मतलब भगवान शिव। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की मिलने की परंपरा है वैकुंठ चतुर्दशी की। ये वैकुंठ चतुर्दशी है कि भगवान शिव जो है विष्णु जी से मिलते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की एक विशेष मान्यता यह भी है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी ने विष्णु जी को क्या प्रदान किया था? भगवान विष्णु जी के हाथ में रहता है चक्र। चक्र दर्शन भगवान ने शिव जी ने जो है विष्णु जी को प्रदान किया था। इस वैकुंठ चतुर्दशी को चक्र प्रदान किया था। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करता है, भगवान शिव जी की, विष्णु जी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, बढ़िया कमल के फूल में बढ़िया रखे, आसन में बिछा कर, पटे में लाल कपड़े, कमल का पुष्प, शिव भगवान जो है विष्णु जी की प्रतिमा, और उस प्रतिमा में बढ़िया सोरसो विधि प्रकार से पूजन करे, पीला सफेद चंदन इत्यादि लगाए, विधि विधान से पूजन करे, और पूजन करने से विशेष प्रति प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है वह भगवान के धाम में स्थान प्राप्त करता है, और जो इस दिन अपना शरीर छोड़ता है जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है, प्राप्त है। 26 नवंबर 2023 को वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आप